हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट लक्की आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डागर लीगल एडवाइस में। जी हां दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा, एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जिससे रिलेटेड मेरे इसी चैनल पर बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं और मैंने अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है उसी पर बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि पहले भी मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी डाल रखी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर कोई किसी पर 376 का झूठा मुकदमा लगवा दे तो उसके अगेंस्ट कैसे कार्रवाई करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव्स को भी, अपने जो यार दोस्त हैं उनके पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कानून की नॉलेज हो सके। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया है पत्नी अपने पति पर 498 एकाएक झूठा मुकदमा लगा देती है और 376 का मुकदमा क्योंकि उसके पति पर बनता नहीं है तो पत्नी उसके रिलेटिव, उसके पति के जो भी रिलेटिव्स हैं, जैसे उसका ब्रदर हो गया, उसके पिताजी हो गए या उसकी फैमिली से और कोई बिलोंग करता हो, उस पर ऐसे गंभीर आरोप लगा देती है जैसे कि 376 हो गया या फिर 354 हो गया, जैसे कि उस बंदे ने मेरे साथ में छेड़छाड़ की है या फिर मेरे साथ में बलात्कार करने की कोशिश की है। जी हाँ दोस्तों, इसमें मेडिकल ना होने के उपरांत भी FIR तो इसमें दर्ज हो ही जाती है, मुकदमा इसमें दर्ज होने के उपरांत उसको, उसके रिलेटिव्स को अरेस्ट भी किया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, उनके खिलाफ जो भी जो कानूनी जो कार्रवाई होती हैं वो सारी फॉलो की जाएंगी। इसमें हरासमेंट भी किया जाता है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली जो भी उनके साथ में मारपीट होती है वो सारे उनके साथ में किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर इस प्रकार का सही में किसी के साथ में कोई गलत काम किया गया है, 376 किसी के साथ में बलात्कार किया गया है या फिर 354 के अंदर किसी के साथ में कोई छेड़छाड़ की गई है या फिर किसी के ऊपर गलत कमेंट्स किए गए हैं तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है दोस्तों। इसमें जो सजा होनी चाहिए या फिर जो सख्त से सख्त जो कार्रवाई हो सकती है वो बिल्कुल की जानी चाहिए इस जैसे, जैसे अगर कोई किसी के साथ में गलत करता है तो। लेकिन दोस्तों अगर कोई पैसे कमाने की नीयत से या फिर किसी भी प्रकार से कोई किसी पर गलत एलिगेशन लगाती है, 376 का हो गया, 354 का हो गया, किसी को हरासमेंट करने के लिए या फिर किसी से बदला लेने के लिए किसी भी प्रकार का, इस प्रकार का कोई काम, गलत काम करती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों कई बार देखा गया है लड़का और लड़की अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे की सहमति से ही एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों किसी बात को लेकर एक दूसरे में आपस में उनमें झगड़ा हो जाता है और जिसके उपरांत लड़की लड़के पर गलत आरोप लगाती है कि इसने मेरे साथ में शादी का झांसा दे करके मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाए, मेरे साथ में बलात्कार किया कि फलानी तारीख को मुझे फलानी जगह ले जाकर मेरे साथ में बलात्कार किया, फलानी तारीख को मुझे फलानी जगह ले जाकर मेरे साथ में बलात्कार किया, इस प्रकार के जो एलिगेशन, जो आरोप जो लड़के पर लगाए जाते हैं जबकि जो शारीरिक संबंध बने थे वो दोनों की सहमति से बने थे, दोनों एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, जिसके उपरांत भी लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाती है या लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने के उपरांत उसकी फैमिली को भी टॉर्चर किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें देखने की बात यह है, अगर लड़की अपनी सहमति से लड़के के साथ में जाती है और लड़के के साथ रहती है, शारीरिक संबंध बनाती है, अगर इसमें दोनों बालिक हैं, अगर लड़की और लड़का दोनों बालिक हैं और एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन में लड़के के ऊपर 376 का मुकदमा नहीं किया जा सकता। हाँ जी, 376 के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन में जो शारीरिक संबंध बने थे वो एक दूसरे की सहमति से बने थे, 376 की डेफिनेशन में ये आता ही नहीं है। अगर लड़का उसके साथ में जोर जबरदस्ती करता या फिर उसको
किसी भी प्रकार की कोई दवाई सुंगा करके या फिर उसको पिला करके लेके जाता अपने साथ में, तो इसमें 376 का मुकदमा लड़के के खिलाफ बनता। लेकिन दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन में अगर लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं, एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इस प्रकार के किसी भी केस में 376 लड़के पर अप्लाई नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के केस में कई बार, क्योंकि लड़की जब कंप्लेंट देती है तो लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो ही जाती है, लड़के के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, लड़के को अरेस्ट किया जाता है और उसको जेल हो जाती है, उसको सजा हो जाती है, जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के केस में जब ट्रायल चलता है, ट्रायल जब फेस आउट करना पड़ता है, तो लड़की ने जो झूठे आरोप लगा करके लड़के के खिलाफ जो कार्रवाई करवाई है, उसमें वो उसको साबित करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, बहुत सारी मुसीबत उसको फेस आउट करनी पड़ती हैं, क्योंकि एक झूठे केस को चलाने के लिए उसको हर बार झूठ ही बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार के केस में ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केस अगर झूठा केस है तो अगर किसी के साथ में बिल्कुल उसकी मर्जी के खिलाफ ये सारा कुछ हुआ है, उसके साथ में बलात्कार हुआ है और उसने कंप्लेंट दी है, तो बिल्कुल उसका केस जेन्युइन है और लड़के को सजा होनी ही होनी है, लड़के के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों अगर 376 का किसी लड़के पर झूठा आरोप लगाया जाता है, 376 में अगर दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बने हैं लड़की और लड़के के, तो उस प्रकार की कंडीशन में लड़की का जब ट्रायल कोर्ट में चलता है, तो उस टाइम लड़की को जो साबित करना पड़ता है वो बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं उस टाइम, क्योंकि वो एक झूठ को बचाने के लिए बार बार झूठ का यूज करती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर 376 का लड़के पर गलत आरोप लगा है और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, तो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इसमें FIR भी दर्ज हो जाए और लड़के को जेल में भी भेज दिया जाए, उसको सजा हो जाए, लेकिन ट्रायल के दौरान अगर ये एक झूठा मुकदमा है, तो कई बार तो ऐसा हो जाता है अगर लड़की झूठा आरोप लगाती है तो पुलिस उसको खारिज कर देती है, मुकदमे को रद्द कर देती है, जब उनको पता चलता है कि भाई दोनों की सहमति से ये सारा कुछ हुआ है और लड़की ने या फिर पैसे खसूटने की नीयत से उस पर आरोप लगाए हैं, तो कई बार तो FIR दर्ज ही नहीं करते या फिर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर कई बार मुकदमा दर्ज हो जाता है और लड़के को अरेस्ट करके उसको सजा करवा दी जाती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, तो हो सकता है ट्रायल के दौरान जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो उसमें लड़की वो एक झूठा मुकदमा है, क्योंकि तो हो सकता है उसको साबित करना किया ना जा सके, और इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, झूठे मुकदमे में कभी किसी को सजा नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर हमसे एडवाइस लेनी है तो आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे चैनल पर पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।